गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन एट योर होम। सो गाइस, टुडे अगेन वी हैव ब्राउट अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। कैन यू गेस व्हाट इज द टॉपिक टुडे? नो? ओके, आई टेल यू, माय टॉपिक इज एट होम। ओके, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम? होम मीन होता है घर। ओके, यहाँ आप रहते हो, है ना? ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको घर की जरूरत होती है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जनरल हमारी नॉलेज इंक्रीज करता है। और जनरल नॉलेज के कोई भी एक लिमिट नहीं होती। आप कितना भी जनरल नॉलेज, कितनी भी चीज़ों को आप जान लो, और ना ही इसका कोई एक सिलेबस की लिमिट होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नॉलेज गेन करते रहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माय टॉपिक इज एच होम। जैसे कि मैंने आपको बताया, होम मीन होता है घर। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको घर की जरूरत पड़ती है। क्यों कर पड़ती है? क्योंकि उसमें हमें रहना होता है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हमें ये इससे सुरक्षा देता है, गर्मी, सर्दी और बारिश से। हैव यू सीन अ पिक्चर? दिस पिक्चर इज हाउस। ये एक हाउस की पिक्चर है जिसमें पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। जैसे कि आपके भी पेरेंट्स आपके घर में आपके साथ रहते हैं और आप भी पेरेंट्स के साथ रहते हो, है ना? तो हाउस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, जिसे हम होम भी कहते हैं। ओके, ये हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना? सम हाउस आर बिग एंड सम हाउस आर स्मॉल। ओके, किसी के घर छोटे होते हैं, किसी के घर बड़े होते हैं। किसी के घर में दो कमरे होते हैं, किसी के घर में चार कमरे होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना? कुछ लोग विलेज में रहते हैं जिनके कच्चे हाउस होते हैं, और कुछ लोग सिटी में रहते हैं जिनके पक्के हाउस होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, सो लुक द पिक्चर। हैव यू सीन अ पिक्चर? दिस पिक्चर इज अ मैनी टाइप्स ऑफ रूम। इस हाउस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम हैं, और आपके घरों में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम होंगे, है ना? तो इसमें देखिए, आपका एक बेडरूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, लिविंग रूम भी है जिसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं, है ना? एक आपका सेपरेट रूम भी होता है, देन किचन भी है, और वॉशरूम है जिसे हम बाथरूम भी कहते हैं। तो हमारे हाउस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं, है ना? रूम देखिए, आप में कितने सारे रूम्स होते हैं। तो ये अगर आपका बड़ा हाउस है तो उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, अगर आपका छोटा हाउस है तो उसमें कम रूम्स होते हैं। तो हम पर्टिकुलर आपको वन वन रूम के बारे में बताएंगे कि किस किस रूम में हम कौन कौन सा काम करते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ गेस्ट को बैठाते हैं, कहाँ खाना बनाते हैं, कहाँ हम बात करते हैं, कहाँ हम खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर इज बेडरूम। ओके, ये हमारा कौन सा रूम है? बेडरूम, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? बेडरूम। दिस इज द बेडरूम। वी स्लीप इन द बेडरूम। हम लोग बेडरूम में क्या करते हैं? सोते हैं, है ना? आप जब रात में सोने जाते हो तो कहाँ जाते हो? अपने बेडरूम में जाते हो। बेडरूम में क्या क्या होता है? आपका बेड होता है, पिल्लो होता है, है ना? और क्या होता है? लैम्प होती है, सीनरी लगी हुई होती है, ना डेकोरेट आप जिसको करते हो जिस भी तरीके से, ये हमारा बेडरूम। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज लिविंग रूम। ओके, दिस इज लिविंग रूम। इसे हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? वी रिलैक्स इन द ड्राइंग रूम। वी ऑल्सो मीट अवर गेस्टेस हेयर। और जो हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, उनको हम कहाँ बिठाते हैं? यही लिविंग रूम में बिठाते हैं, है ना? क्योंकि लिविंग रूम हमारा क्या होता है? ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं। इसमें सोफे पड़े होते हैं, टेबल होती है, टीवी होता है। तो गेस्ट को हम इसी रूम में बिठाते हैं, बेडरूम में नहीं बिठाते हैं। कहाँ बिठाते हैं? लिविंग रूम में। ओके, नाउ थर्ड पिक्चर इज डाइनिंग रूम, है ना? ये कौन सा रूम है? डाइनिंग रूम। दिस इज द डाइनिंग रूम। वी ईट अवर मील्स इन द डाइनिंग रूम। हम लोग डाइनिंग रूम में क्या करते हैं? अपनी सारी मील्स लेते हैं, है ना? मील्स में क्या क्या होता है? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर।
है ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मील्स, 3 टाइप्स ऑफ मील्स, नेम देम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज किचन। ओके, दिस इज द किचन। किचन में क्या करते हो आप, वी कुक फूड इन द किचन। हम लोग जो खाना बनाते हैं वो किचन में ही तो बनाते हैं ना, बेडरूम में बनाते हैं ना, ड्राइंग रूम में बनाते हैं और ना डाइनिंग रूम में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, किचन। और किचन में क्या क्या होता है, हमारी गैस होती है, बर्तन होते हैं, माइक्रोवेव होता है, मिक्सी होती है, सिंक होता है, रैक्स होती हैं, है ना, टोस्टर होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ होता है, किचन में। तो किचन में क्या करते हैं, हम लोग खाना प्रिपेयर करते हैं। आप जब मॉर्निंग में स्कूल जाते हो तो मम्मा आपके लिए टिफ़िन बनाती है, तो कहाँ बनाती है, किचन में ही बनाती है, है ना। तो किचन में कौन सा वर्क होता है, खाना बनाने का। अंडरस्टैंड, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट बाथरूम। ओके, ये क्या है, बाथरूम। दिस इज द बाथरूम। यहाँ क्या करते हो आप, वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉशरूम। यहाँ पर हम लोग हैंड वॉश करते हैं, नहाते हैं, डेली नहाते हैं ना आप, ना डेली नहाते हो कि नहीं नहाते हो, डेली नहाते हो, स्कूल जब आते हो तो नहा के आते हो, तो आप कहाँ नहाते हो, वॉशरूम में। इसे हम बाथरूम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है, आपको वॉश बेसिन होता है, बकेट होती है, टॉवल होती है, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, बाथरूम में। नेक्स्ट पिक्चर इज, और आपके होम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आपका एक सेपरेट रूम भी होता है जिसमें आपका अपना बेड होता है, अपनी रैक होती है, पढ़ने के लिए टेबल होती है, स्टडी रूम जिसको हम कहते हैं, तो आपके सेपरेट रूम में भी स्टडी रूम होती है, लैंप होता है, है ना, ये सब आपके सेपरेट रूम में भी होती है। और क्या होता है, टीवी होता है, मिक्सी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रिज कहते हैं, टोस्टर होता है, बकेट होती है, टैप होता है, है ना। ये सब चीज़ें क्या कहाँ मिलती हैं, घर में, क्योंकि घर में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्रिज नहीं है तो मुझे ठंडा पानी नहीं मिलेगा, है ना। अगर बकेट नहीं है तो फिर हम पार्किंग कैसे करेंगे, टैप नहीं है तो फिर वाटर कहाँ से आएगा, है ना। अगर मिक्सी नहीं है तो हमें जूस कैसे मिलेगा, है ना। टीवी नहीं है तो हम न्यूज़ कैसे सुनेंगे, कार्टून कैसे देखेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ मिलती हैं, घर में। स्कूल में तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, है ना, कि आपके स्कूल में आपको बेड मिल गया है या आपको जो कहते हैं फ्रिज मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, घर में। ओके, नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड वन एक्टिविटी फॉर यू। सो दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको कलरिंग वर्क करना है ना। सुंदर सा ये हाउस बना हुआ है जिसे हम होम भी कहते हैं, और इसमें आपको कलर करना है, क्योंकि आप कलरिंग वर्क तो अच्छे से करते हो, है ना, और जिससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप इंजॉय भी करोगे। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको कलरिंग करनी है, ठीक है। सो आप इस एक्टिविटी को अच्छे से कलर करिएगा, बिल्कुल भी कलर बाहर ना निकले, और मम्मा की हेल्प से आप सुंदर सुंदर कलर इसमें फिल करिएगा। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और आप इस एक्टिविटी को अच्छे से करके, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब आपको लर्न करना है और रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पर कौन सा रूम होता है। वंस अगेन रिपीट इट, लिविंग रूम। लिविंग रूम में क्या कहते हैं, वी सिट एंड टॉक हेयर। ओके, किचन, वी कुक फूड हेयर। ओके, बाथरूम, वी वॉश एंड बाथ हेयर। ओके, बेडरूम, वी टेक गेस्ट हेयर। ओके, एंड डाइनिंग रूम, वी ईट फूड हेयर। सो मैंने ये सारी चीज़ें आपको वंस अगेन रिपीट कर दी हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम किस रूम में करना है और उस रूम को हम किस नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? आपको करना क्या है, आपको सारी स्पेलिंग लर्न करनी है, किसकी स्पेलिंग लर्न करनी है, कि बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम, इन सब की आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है और बिल्कुल अच्छे से पहचानना है कि कौन सा रूम किस चीज़ के लिए होता है। ओके, आप पिक्चर्स देखिए, बार बार रिपीट करिए आप वीडियो को अपने मम्मी की हेल्प से, इसको बार बार आप देखिए और पहचानिए कि आपके घर में भी रूम्स होंगे, आप उस रूम को इंडिकेट करके अपने मम्मा को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सबको बताइए कि ये लिविंग रूम है, ये किचन है, ये वॉशरूम है। ओके, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को
पहचान भी लेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि हमें किस रूम में कौन सा काम करना है। ओके, गॉट इट एवरीवन? ओके, सो होप यू लाइक इट। नाउ यू विल डू विद लर्न ऑल पिक्चर्स एंड स्पेलिंग। सी यू।